एटीएस की टीम के द्वारा एक बार फिर से एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई की गई है और इस बड़ी कार्रवाई में एटीएस की टीम ने 4 बड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जैसा कि अभी अपडेट आ रही है, इसमें बताया जा रहा है कि गुजरात एटीएस की टीम ने एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई 1993 में जो बम ब्लास्ट हुआ था उससे रिलेटेड 4 बड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं कि जैसा कि अपडेट आ रही है, इसमें बताया जा रहा है कि ये 4 के 4 लोगों का कनेक्शन जो है उस टाइम था इनके और इन्होंने जो है वो जो ट्रेनिंग ली थी वो जाकर पाकिस्तान में ली थी, ऐसा जो है इनको लेकर अपडेट आ रही है। सबसे बड़ी बात कि ये केस जो है 25 से 30 साल पुराना है और उस केस में अब जाके गिरफ्तारी हो रही है। सबसे बड़ी बात कि आखिरकार इतने दिन तक ये गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, आखिरकार क्यों जो है इतने दिन तक ये सारे के सारे लोग बचते हुए नजर आए, और फाइनली अब जो है 25 से 27 साल बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे जो है लगातार पूछताछ की जा रही है। देखते हैं आने वाले टाइम पे इसमें और कौन कौन लोग फंसते हैं। बाय द वे, आप सबको पता ही होगा कि जब मुंबई में ये ब्लास्ट हुआ था तो इसको लेकर काफी ज्यादा आरोप कई बड़े पॉलिटिशियन तक भी पहुंचे थे, और खासकर की बोहरा रिपोर्ट को लेकर भी काफी ज्यादा उस टाइम बवाल मचा हुआ था। बोहरा रिपोर्ट को लेकर भी लगातार लोगों द्वारा सवाल उठाया जा रहा है पिछले काफी टाइम से कि आखिरकार इस रिपोर्ट को कब जो है पब्लिक किया जाएगा, लेकिन आज तक बोहरा रिपोर्ट भी पब्लिक नहीं किया गया है। देखते हैं बाय द वे इस गिरफ्तारी के बाद जब इनसे पूछताछ होगी तो जैसा कि पॉलिटिशियन को लेकर कई बड़े दावे किए जा रहे थे दाऊद इब्राहिम के साथ में, और साथ में दाऊद इब्राहिम के कनेक्शन को लेकर अभी एनआईए के द्वारा छानबीन किया ही जा रहा है, तो देखते हैं कि कुछ इसमें खुलासा होता है या नहीं। आपका क्या ओपिनियन है इस पर, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।